बचुक आयो छोड़ो ना काचमी र जकल आयो छोड़ो ना काचमी र जकल आयो किनी ना बाटाई पूजन। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र शक्लानी और आज मैं आया हूं एक ऐसे गांव जहां पे आपको उठने के लिए किसी घड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सुबह में चिड़ियों की चहचहाट आपको नींद से जगा देती है। मैं आया हूं एक ऐसे गांव, जब आप सुबह अपनी खिड़की खोलते हैं तो सामने आपको सुनहरा सा हिमालय दिखाई देता है, सुनहरे कलर के पहाड़ आपको दिखाई देते हैं। जी हाँ, मैं आया हूँ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े गांव में से एक जखोल में। जखोल जो कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और बहुत बड़ा गांव है, लगभग 1600 के आसपास यहां पे लोग रहते हैं, 400 परिवार यहां पे रहते हैं और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का पहला या दूसरा सबसे बड़ा गांव है ये। यहां पे घर बहुत खूबसूरत हैं, देवदार और अन्य लकड़ियों के घर यहाँ पर देखे जा सकते हैं, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो या चाहे कोई गढ़वाली पिक्चर की शूटिंग करनी हो, जखोल उनकी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होता है। कोई भी यहाँ पे आना चाहता है और शूटिंग करना चाहता है तो मैं आज जखोल के सोमेश्वर भगवान के प्रांगण में खड़ा हूँ और जो नज़ारा है यहाँ से पीछे, चाहे वो हिमालय हो या पूरे गांव का है, वो बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की किलकारियाँ आपको अक्सर सुनाई देती हैं, चाहे आप साल भर किसी भी टाइम आप यहाँ पर आएँ। शाम को अगर आप किसी बूढ़े बुजुर्ग के साथ बैठेंगे तो कुछ कहानियाँ उनके मुँह से और साथ में कुछ गीत पुराने उनके इन पहाड़ों के सुनेंगे। आप अगर किसी महिला के पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं। मैं आज एक ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे लोगों का कर्म ही उनकी पूजा है, जहाँ लोग दिन रात मेहनत करते हैं और अपने जीवन को बेहतर से बेहतर करने में लगे हुए हैं। यहाँ पे इंटरनेट बेशक कम चलता है, लेकिन जो जीवन का स्टैंडर्ड है, जो जीवन जीने का तरीका है, वो बहुत ही भव्य है। और यहाँ से जो हिमालय की जो चोटियाँ दिखती हैं वो इस गांव को और भी खूबसूरत बना देती हैं। यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक भी जाते हैं, पास में यहाँ सांकरी है, हर की दून है और इसके उस तरफ आप जाएंगे तो यहाँ से हिमाचल राज्य की सीमा भी शुरू हो जाती है। तो जखोल जो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और आप पुरोला होते हुए यहाँ इस गाँव में पहुँचते हैं। पुरोला से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान जखोल जो है अपने आप में एक बहुत खूबसूरत गांव है। तो मैं आपको दिखाऊंगा अपने साथ इस खूबसूरत गांव को, थोड़ी बहुत यहां की जो जीवन शैली है वो दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि यहां पे घर कैसे बने हुए हैं और उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा भगवान सोमेश्वर के प्रांगण में। बहुत बहुत धन्यवाद।